सेंटीमीटर और इसकी हाइट 48 सेंटीमीटर। अब उसने ये बोला है कि ये जो बर्तन है ना, ये बर्तन पूरा पानी से भरा हुआ है। ये जो शंक्वाकार बर्तन है जिसकी रेडियस है 10 और हाइट है 48 सेंटीमीटर, ये पूरा पानी से भरा हुआ है। अब ये जो पानी से पूरा भरा हुआ है, इस वाले शंक्वाकार बर्तन को उठाकर इस बेलनाकार बर्तन में डाल दो। तो आप बोलेंगे सर ये जो पानी है, ये पानी पूरा इस बेलनाकार बर्तन में चला जाएगा। अगर इस बेलनाकार बर्तन में पानी जाएगा तो हो सकता है कि पानी कुछ इस तरह से इतना उठ जाए। ये जो शंकु है जिसमें पानी भरा हुआ है, इस पानी को जब आप इसमें डालोगे तो पानी इतना भर जाएगा। अच्छा, आपको है ना बेलन की रेडियस भी दे रखी है, बेलनाकार बर्तन की रेडियस 20 सेंटीमीटर। अब देखो मेरी बात सुनो, उसने ये बोला है कि पानी की गहराई बताओ, पानी की ऊंचाई बताओ कि इस बेलनाकार बर्तन में पानी कितना उठ जाएगा। अगर कोई व्यक्ति ये सोचने की गलती कर रहा है कि सर वो तो है ना इस पूरे बेलन की हाइट पूछ रहा है, तो भैया बेलन की पूरी हाइट तो आप बता नहीं पाओगे। अगर ऐसा आ जाए कि बेलन की ऊंचाई बताओ, तो इसका मतलब डाटा पर्याप्त है, निर्धारित नहीं कर सकते। समझ पा रहे हैं? हम है ना पानी की गहराई जरूर बता सकते हैं कि भैया ये जो पानी पूरा भरा हुआ था, पूरा बर्तन शंक्वाकार भरा हुआ था पानी से, इसको अगर हम बेलनाकार बर्तन में डालेंगे तो ये जो पानी है ये इस बेलनाकार बर्तन में ये इतना ऊपर उठ जाएगा। तो उसने सिर्फ ये इतनी इतनी वैल्यू पूछी है। समझ पा रहे कि पानी की हाइट बताओ। पहले तो ये बताओ क्वेश्चन क्लियर हुआ क्या? अरे क्वेश्चन क्लियर हुआ है, इतना सिंपल सा है, एक बार और सुनो। रेडियस है 10, हाइट है 48, ये पूरा पानी से भरा हुआ है। उसने बोला ये जो पूरा पानी से भरा हुआ ना, इसको एक बेलनाकार बर्तन में डालो। अगर बेलनाकार बर्तन में डालोगे तो उसकी रेडियस है 20, तो ये जो पानी इतना इतना भर जाएगा बेलनाकार बर्तन। ये पानी की ऊंचाई कितनी है, उसने सिर्फ पानी की ऊंचाई पूछी है, ना कि पूरे बेलनाकार बर्तन की। और वो हम निकाल भी नहीं पाएंगे क्योंकि क्वेश्चन में डाटा इनसफिशिएंट है, डाटा अपर्याप्त है। अब सुनो बड़े ध्यान से मेरी बात, यहां पर बेलन और शंकु का आयतन बराबर नहीं होगा, यहां पर पानी का आयतन बराबर होगा। अभी के लिए मैं मान लेता हूं, आप ये मान लो कि इस शंक्वाकार बर्तन में 20 लीटर पानी है, ये पूरा का पूरा उठाकर मैंने इस बर्तन में डाल दिया, तो इसमें भी डालने पर क्या ये 20 लीटर ही रहेगा? अरे पानी का वॉल्यूम बदलेगा क्या? नहीं सर, पानी का वॉल्यूम नहीं बदलेगा। पानी इधर भी 20 लीटर था, इसमें डालने पर भी 20 लीटर ही होगा, मतलब पानी इधर जितना था उतना ही उधर रहेगा। एक्चुअली में मुझे बेलन और शंकु के आयतन बराबर करने होंगे, लेकिन फिलहाल मैं इनके बेलनों को नहीं पानी के वॉल्यूम को बराबर करने जा रहा हूँ। आप क्वेश्चन को समझ पाए, मेरी बातों को समझ पाए? सर पानी को वॉल्यूम बराबर है, जितना वॉल्यूम इसमें था पानी का, मतलब जितने लीटर ये पानी था उतने ही लीटर ये पानी रहेगा, पानी नहीं बदलेगा। अगर यहाँ 10 लीटर पानी है तो इधर भी 10 लीटर ही रहेगा। समझ पा रहे? तो आप बोलेंगे सर शंकु का आयतन होता है 1/3 πr² h बराबर, बेलन का आयतन होता है πr² h। आइए देखिए 1/3 π, अच्छा इसमें रेडियस 10 का स्क्वायर मल्टीप्लाई इसकी हाइट 48 बराबर सर पाई, इसकी रेडियस 20 का स्क्वायर मल्टीप्लाई हाइट, ये आ गया आंसर। ये ना पानी की गहराई आई है, पानी की ऊंचाई, ना कि बेलन की ऊंचाई आई है पूरे। समझ पाए क्या? बस इसको सॉल्व कर देंगे आंसर आ जाएगा, क्लियर है इतना? चलो काटा पिटी कर देता हूं सर, पाई से पाई कैंसल, 3 से 48 जाएगा 16 बार, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, 4 से 16 कटेगा 4 बार, तो 4 सेंटीमीटर। ये जो बेलनाकार बर्तन में पानी भरा हुआ ना, इस पानी की गहराई है 4 सेंटीमीटर। क्लियर है इतना? नोट कीजिएगा सभी लोग।